हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम वाइब्स। वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, दैट इज द सिरोना डीप पिगमेंटेशन सीरम। तो ये सीरम कैसा है, किस तरह से इसको अप्लाई करना होता है, एक्चुअल में ये पिगमेंटेशन को मिटाता है या नहीं, सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, जरूर से एंड तक देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नए है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सिरोना डीप पिगमेंटेशन फेस सीरम। इसमें है नायसिनामाइड 10%, अल्फा ब्यूटीन 2%, विटामिन सी, और है लाइकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट और टैस्मेनियन पेपर फ्रूट। और यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आप इसको यूज़ करोगे, इंग्रेडिएंट्स है पीछे, और लिखा है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज़ रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स, यानी कि आपको एक महीने के बाद इसका अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसका जो बॉक्स है मुझे बहुत यूनिक लगा, फर्स्ट कोई सीरम ऐसे बॉक्स में, मतलब मैं रिव्यू दे रही हूँ ऐसे बॉक्स में कोई सीरम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये आप देख सकते हो एकदम वाटरी बेस्ड है, एकदम वाटर बेस्ड है। और इसको पहले हाथ पे अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल रनी है, थिक बिल्कुल भी नहीं है, या तो फेस ऑयल की तरह भी नहीं है, यानी कि आप जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो जाएगा और क्विकली एब्जॉर्ब भी हो गया है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अब इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपना स्किन पहले दिखा दूँ आप लोगों को। तो देखिए ये पिगमेंटेशन के लिए है, तो मेरे फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं था, सिर्फ नोज़ के अराउंड और माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन था। तो मैं इसको अप्लाई करने के एक हफ्ते के बाद और एक महीने के बाद रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए आप को इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए कोई भी माइल्ड क्लिंजर या तो फेस वॉश की मदद से, और फिर इस सीरम को यूज़ कीजिए। और इसको आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना होगा, दिन में 2 बार। और इसको अच्छी तरह से आप मसाज करते हुए इस तरह से अब्जॉर्ब कर लीजिए। और अगर आप दिन में निकलोगे तो एकदम सनस्क्रीन लगा के ही निकले, क्योंकि ये जो सन रे जो है वो स्किन को डैमेज कर देता है। इसलिए कोई भी सीरम लगाने से पहले आपको स्किन को अच्छी तरह से वॉश भी करना होता है, और जब आप धूप में बाहर में निकले तो आपको अच्छी क्वालिटी के सनस्क्रीन यूज़ करना होगा, तब भी आपका स्किन रिपेयर होगा और कोई भी सनबर्न या तो सन टैन नहीं होगा और स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा और सीरम भी अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मसाज करते हुए अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरा एक हफ्ते का बाद रिज़ल्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नज़र में नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा स्किन ग्लो कर रहा है, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ पिगमेंटेशन गायब नहीं हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो मुझे कुछ ड्रास्टिक चेंज नज़र में नहीं आ रहा है सच बताऊँ तो। ओके, सो नो प्रॉब्लम। एक महीने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आफ्टर 4 वीक्स, यानी कि एक महीने बाद का रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हो कि जो अराउंड माउथ जो पिगमेंटेशन था वो बहुत ही कम हो चुका है, और नोज़ के अराउंड भी, और स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हो जो चिन के नीचे, जो चिन के नीचे ये जो दाग था वो बिल्कुल भी चला गया है। तो 4 वीक्स के बाद ही इस सीरम का रिज़ल्ट अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो इस सीरम को आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपकी पिगमेंटेशन को घटाना है और आपके स्किन पे ग्लो लाना है। और सबसे अच्छी बात, ये जो सीरम है ये बिल्कुल भी सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र में नहीं आया सच बताऊँ तो, यानी कि कोई भी इचिंग या तो इरिटेशन कुछ भी नहीं हुआ।
और फिर से मैं बता दूँ, अगर इस सीरम को आपको यूज़ करना है या कोई भी सीरम आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन आप ज़रूर से लगाना जब भी आप बाहर पे धूप पे निकले, या तो घर पे रहते भी अगर धूप का तेज़ बहुत ज़्यादा है तो आप ज़रूर से सनस्क्रीन अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपका स्किन नाइट में जो रिपेयर हो रहा है सीरम से वो डैमेज भी नहीं होगा और सीरम भी अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और रिज़ल्ट आने में हाँ थोड़ा सा तो देर लगता है, ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा सीरम है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में वो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप फिट।